बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हीना और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ में। मेरे चैनल पे आपको डेली प्रेगनेंसी से रिलेटेड गाइडेंस, प्रेगनेंसी टिप्स, सक्सेस स्टोरीज एंड वुमन हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके अब तक बहुत सारी लेडीज़ ने प्रेगनेंसी कंसीव की है वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में। तो अगर आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन भी लेडीज़ को पीरियड के दौरान में कम ब्लीडिंग होती है या फिर कभी कभी पीरियड्स आते ही नहीं हैं, या फिर जिन भी लेडीज़ को लगातार पीरियड 15-15, 20-20 दिन तक आते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसको प्रिटेंड करने के लिए क्या हम होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे हम घर बैठे ही ऐसी समस्या को दूर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। जो भी लेडीज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है या फिर वो ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए और उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर ये वीडियो आप लोगों को दिल से अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। इसलिए आप अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन भी लेडीज़ को पीरियड के दौरान में अगर कम ब्लीडिंग होती है तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, जिन भी लेडीज़ को पीरियड के दौरान में कम ब्लीडिंग होती है या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो फ्रेंड्स इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो रीज़न ये हो सकता है कि मे बी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम है, जिस वजह से जो है आपको पीरियड के दौरान में ब्लीडिंग कम हो रही है। ठीक है, सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके अंदर ब्लड फ्लो जो है पीरियड के दौरान में ये कम हो गया है। ठीक है, तो ये है सेकेंड रीज़न। तीसरा रीज़न है, जो भी लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो ऐसी लेडीज़ में देखा गया है कि इनको जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसी लेडीज़ को जो है पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं। तो ऐसी लेडीज़ में कॉमनली देखा गया है कि इनका जो पीरियड का फ्लो है वो भी कम आता है। चौथा जो रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, मे बी आपका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है, मे बी आपको थायराइड हो सकता है, मे बी आपका FSH या LH कोई भी हार्मोन हाई हो सकता है, या फिर मोस्ट कॉमनली PCOD या PCOS का प्रॉब्लम हो सकता है, जिस कारण से आपका जो पीरियड का फ्लो है वो कम हो सकता है, या फिर मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ को पीरियड जो है बहुत ज़्यादा दिन तक भी आते हैं और उसका फ्लो भी बहुत अच्छा खासा रहता है। बहुत सारी लेडीज़ मुझे सुपर चैट पे आके जो मेरे से कंसल्ट करती हैं वो मुझे बताती हैं कि मैडम मेरे जो पीरियड है वो 15 दिन तक रहते हैं, मेरे पीरियड 20 दिन तक रहते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ PCOD, क्योंकि PCOD फ्रेंड जिस भी लेडीज़ को ज़्यादा हो जाता है तो उन लेडीज़ के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि उनको जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है पीरियड के दौरान भी, और इनकी जो ब्लीडिंग है वो कम से कम 15 या 20 दिन तक रहती है। अब फ्रेंड्स, जिन भी लेडीज़ को PCOS का प्रॉब्लम होता है, ऐसी लेडीज़ को अक्सर 1 महीने में 2 बार भी पीरियड्स आ सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ मुझे बोलती भी है कि मैडम मुझे 1 महीने में 2 बार पीरियड आ गए तो क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, और जब वो डॉक्टर के पास टेस्ट कराने जाती है तब उनको पता चलता है उनको PCOS का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपको PCOS का प्रॉब्लम है और अगर आपको 1 महीने में 2 बार पीरियड आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको PCOS की वजह से ऐसा हो रहा है। पांचवा जो रीज़न है वो ये है मिसकैरेज। अगर आपका रैपिडली मिसकैरेज हो रहा है, 2 महीने पे मिसकैरेज हो जाता है, 3 महीने पे मिसकैरेज हो जाता है, और अगर आपको ऐसे रैपिडली 2-3 बार मिसकैरेज हो चुका है तो फ्रेंड इससे क्या होगा, आपके पीरियड के दौरान में फ़र्क आपको महसूस होगा। जब आपको पहले मिसकैरेज नहीं हुआ था उस टाइम पे आपको जो पीरियड्स का फ्लो था वो अच्छा था, लेकिन अभी आफ्टर मिसकैरेज आपका जो पीरियड का फ्लो है वो कम हो गया, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतना ब्लड नहीं रहता। ठीक है, मिसकैरेज के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है हमारा, जिस कारण से इसका जो फ़र्क है वो आपको आपके पीरियड के दौरान में नज़र आएगा। बहुत सारी लेडीज़ को तो आफ्टर मिसकैरेज 1 या 2 महीने पीरियड भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कॉमन है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको डर लग रहा है तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जिन भी लेडीज़ को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रिटेंड करने के लिए हम कौन से घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। फ्रेंड, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगी, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती है जो डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पसंद करती और सोचती कि घर बैठे ही हम अगर कोई घरेलू उपचार कर ले तो हमें इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के पार्ट में बताया कि ब्लीडिंग कम होना या ज़्यादा होना, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस वजह से ये हो रहा है? मे बी आपको इन्फेक्शन हो सकता है यूट्रस में, जिस कारण से आपको अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। तो फ्रेंड, अगर आपको ऐसी कोई भी तरह की समस्या हो रही है तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर्स आपके कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ अल्ट्रासाउंड करेंगे जिससे उनको एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि आपको ब्लीडिंग कम और ज़्यादा क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न, और वो आपको कुछ मेडिसिन भी देंगे जिससे आप बहुत ही जल्द अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी ना डरे और एक बार डॉक्टर की जांच ज़रूर करवा ताकि आप आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसे। इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर ही आपका अल्ट्रासाउंड करके ये पहचान सकते हैं कि आपको PCOD है या नहीं, या फिर कोई अदर हार्मोनल इम्बैलेंस है जिस वजह से आपको पीरियड ज़्यादा या कम हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज़ फ्रेंड अपनी जो है दिमाग में बिठा लो और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बता देती हूँ और कौन सी लेडीज़ कर सकती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आता है सीड साइकिलिंग। फ्रेंड, सीड साइकिलिंग मैंने जिन भी लेडीज़ को बताया है फॉलो करने के लिए, उन लेडीज़ का मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक ये आया कि मैडम, जब हमारे पीरियड पहले आते थे उसका फ्लो कम था, लेकिन आफ्टर सीड साइकिलिंग हमारे जो पीरियड का फ्लो है वो अच्छा होने लगा है, 3-4 दिन तक हमारा जो पीरियड का फ्लो है वो आता है। तो फ्रेंड्स, जिन भी लेडीज़ को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि पीरियड्स जो पहले आते थे वो अच्छे आते थे लेकिन अभी हाल ही में 1-2 महीने या 4-5 महीने से हमारा पीरियड का फ्लो कम हो गया है, तो आप सीड साइकिलिंग इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को जो है क्योर कर सकती हैं। बहुत सारी लेडीज़ को जिनको पीरियड्स आते ही नहीं हैं या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो भी लेडीज़ सीड साइकिलिंग कर सकती हैं अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और पीरियड के फ्लो को अच्छा करने के लिए। सीड साइकिलिंग मेनली हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है जो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो जिन भी लेडीज़ को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो सीड साइकिलिंग ज़रूर फॉलो करें। सेकेंड जो चीज़ है वो एम्टोटोन सिरप है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीड साइकिलिंग कर रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ ऐसा बोलती कि मैडम हमें सीड साइकिलिंग सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड ऑब्वियस सी बात है सबकी बॉडी अलग होती है, सबके केस अलग होते हैं, तो सबको ही सूट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जिन भी लेडीज़ को सीड साइकिलिंग सूट नहीं हो रहा है वो एम्टोटोन इस्तेमाल कर सकती हैं। एम्टोटोन आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से भी ले, फिर डॉक्टर से पूछ के भी आप एम्टोटोन सिरप ले सकते हैं। एम्टोटोन सिरप ये एक आयुर्वेदिक टॉनिक है, ये एक यूट्राइन टॉनिक है जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव रखने में मदद करती हैं। जिन भी लेडीज़ को PCOD PCOS का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर उनको हाईली रिकमेंड करते हैं एम्टोटोन सिरप ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। और बहुत सारी लेडीज़ को जो कंसीव नहीं हो रहा है PCOD PCOS के कारण, तो ऐसी लेडीज़ एम्टोटोन सिरप का इस्तेमाल करके कंसीव भी कर जाती है। ठीक है, एम्टोटोन सिरप क्या करता है, जिन भी लेडीज़ को पीरियड नहीं आते, हर महीने 2-2, 3-3 महीने पे आते बिकॉज ऑफ PCOD PCOS या हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये आपके अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करता है, PCOD PCOS को क्योर करता है, आपको कंसीव करने में हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है आपकी क्योर करता है। ये एक टॉनिक है जो आपको दिन में 1 चम्मच लेनी है आफ्टर ब्रेकफास्ट, 1 चम्मच ही एक दिन में लेनी है, 1 कप पानी के अंदर मिक्स करके आप ले लीजिए, इससे आपको कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक टॉनिक है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई मिथ है तो आप डॉक्टर से पूछ कर भी ले सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो है सिनेमन स्टिक रेमेडी। इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड, सीड साइकिलिंग, एम्टोटोन सिरप, इसके भी ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाया, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इसका प्रॉपर वीडियो देख के इसके बारे में जो है जानकारी भी ले सकते हैं और ये टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ मैं बता रही वो है सिनेमन स्टिक की रेमेडी। फ्रेंड, ये मैं उन लेडीज़ को कहती हूँ जिन भी लेडीज़ को PCOD PCOS का प्रॉब्लम होता है, तो सिनेमन स्टिक का इस्तेमाल करने बोलती हूँ। ये एक होम रेमेडी है जो आपको मॉर्निंग में करनी होती है और इससे भी बहुत सारी लेडीज़ को कंसीव हो जाता है।
ये मैं आप लोगों को आज ये जो रेमेडी है वो इसलिए बता रही हूँ, जिन भी लेडीज़ के पीरियड्स रुक गए हैं, पीरियड्स आते ही नहीं हैं, तो ऐसी लेडीज़ को सिनेमन स्टिक की जो होम रेमेडी है उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सीड साइक्लिक एम्टोटोन सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप सिनेमन स्टिक की रेमेडी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे रिजल्ट आपको मिलने की पूरी संभावना होगी। इसलिए जिन भी लेडीज़ के पीरियड्स पूरी तरीके से रुक गए हैं, मेनोपॉज में वो चली गई हैं, तो सिनेमन स्टिक का ज़रूर इस्तेमाल करें। और जिन भी लेडीज़ को सीड साइक्लिंग या एम्टोटोन सिरप सूट नहीं हो रहा है तो वो लेडीज़ भी सिनेमन स्टिक का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बता दूँ, ये तीनों भी होम रेमेडी आपको एक साथ में इस्तेमाल नहीं करनी है, एक टाइम पे एक ही होम रेमेडी का इस्तेमाल करिए ताकि आपको इसके बेटर रिजल्ट मिल सके। अगर आपने एक महीने एक रेमेडी इस्तेमाल की, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या फिर सूट नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट मंथ आप दूसरी होम रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कुछ घरेलू होम रेमेडीज़ जो आपके पीरियड के फ्लो को भी अच्छा करेगी, और जिन भी लेडीज़ को पीरियड आते ही नहीं है तो वो लेडीज़ भी प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकती है और अपने पीरियड्स को भी रेगुलराइज कर सकती है। एक चीज़ फ्रेंड मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, जिन भी लेडीज़ को पीरियड दो दो तीन तीन महीने पे आते हैं या फिर पीरियड आते ही नहीं है, तो ऐसी लेडीज़ कैसे कंसीव करेगी, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इसके ऊपर भी मैं सेपरेटली वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, जितनी भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बातें बताई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।